दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी परीक्षा, यदि आप किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, अगर उसमें आपको हिंदी विषय मिलता है, हिंदी विषय में आपको 5 से 6 नंबर की जो रचनाएं हैं उससे प्रश्न आपको मिल ही जाता है। जैसे अगर आप यूपी टेट सी टेट या किसी भी टेट की परीक्षा, उसमें हिंदी आती ही है। साथ साथ अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी या एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं होती हैं जहां पे हिंदी पूछी जाती है, तो वहां आपको ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण का काम कर सकता है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है, और पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दे, और मैं तो कहता हूँ कि दबा ही दीजिए क्योंकि ये ज़रूर आपको पसंद आने वाला है। और इसको आप लास्ट तक देखिएगा और आपको रट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप मेरे साथ यहाँ पर रहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, बस यहीं पर देखना है। अगर नीचे वाला लाल वाला डब्बा, अगर यहाँ पर लाल बटन में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, अगर नहीं दबाया तो जल्दी से उसको दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे लगभग हम लोग 32-33 रचनाएं हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको चुटकी बजाते ही सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई गई है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पूछी जाती है, और पूछी जाएगी तो ऐसे नहीं पूछी जाएगी कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बताइए, या ये भी हो सकता हो कि अगर आते हैं प्रश्न तो इस प्रकार से आते हैं कि जयशंकर प्रसाद की, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों देखिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ली हुई हैं जो कि आपके चारों ऑप्शन में से कोई एक मिल ही जाएगा। तो देखिए पहले हम ट्रिक की डिस्कस करते हैं ना। देखिए ट्रिक कैसी है, ट्रिक को आपको देखते ही पहले हंसी आएगी। मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको हंसी नहीं आए, लेकिन आपको हंसी आएगी, ठीक है। तो देखिए झरना और लहर का महान प्रेम देखकर, झरना और लहर का महान प्रेम देखकर जय के कान से आंसू निकल आए, जय के कान से आंसू निकल आए, है ना थोड़ी सी मज़ेदार ट्रिक। तो देखिए झरना और लहर का महान प्रेम देखकर जय के कान से आंसू निकल आए, याद हो गया है ना, एक बार रिवीजन और मार लीजिए आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसका महत्व तो किस प्रकार से वे समझते हैं। देखिए जैसे झरना है तो झरना से हमारा हो गया झरना, ये किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने। लहर से लहर, महान से, देखिए महान से आप यहाँ महा लीजिए, महा से क्या हो गया हमारा, महा से हमारा होगा महाराणा का महत्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये जो का लगा है ना, इस का भी महत्व है। ये का क्या है, ये का है, का से बनेगा हमारा कामायनी, ठीक है। तो झरना लहर कामायनी, महा से महाराणा प्रताप, और प्रेम से क्या होगा दोस्तों, प्रेम से होगा हमारा प्रेम पथिक, ठीक है। प्रेम से क्या होगा, प्रेम पथिक। उसके बाद देखिए जय, अब हमने यहाँ पे देखिए हमने जितनी भी ट्रिक बनाई है आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और भविष्य में भी हो सकता है कोई और ना बताए, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद से बनाई हुई है और सिर्फ आपके लिए बनाई, इसको सरल सरल तरीके से, और हर ट्रिक में हम लेखक का नाम जरूर डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जय से मतलब हो गया जयशंकर प्रसाद, ताकि आप अगर भविष्य में याद भी रहे तो होता है ना कि ये किसकी है किसकी नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या होता है पता चल जाता है कि ये किसकी रचनाएं हैं, है ना। तो देखिए जय से क्या हो गया जयशंकर प्रसाद, कान से दोस्तों क्या हो गया, कान से हो गया कानन कुसुम, और आंसू से जानते ही हैं इनकी रचनाएं हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसके बारे में तो सभी जानते हैं आंसू किसकी रचनाएं हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, आप देखते चलिए काउंट करते चलिए, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप अगर काउंट करेंगे तो लगभग 30 से ज़्यादा रचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी पूरा अंतिम तक आते आते, इसलिए आप यहाँ पे ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथिलीशरण गुप्त की देखिए, भारत में पंचों द्वारा साकेत के वध से मैथिली के यश में भंग पड़ा, कितना अच्छा सेंटेंस है, भारत में पंचों द्वारा साकेत के वध से मैथिली के यश में भंग पड़ा। देखिए भारत से दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत से हमारा हो जाएगा भारत भारती, पंचों, पंचों से दोस्तों क्या होता है, पंच से, पंचों का आप पंच लीजिए और पंच का हो जाएगा पंचवटी। देखिए द्वारा, द्वारा का आप द्वार लीजिए, ठीक है, द्वारा का द्वार, और द्वार से क्या बनेगा दोस्तों, द्वापर,
बीच में प आ जाएगा। अब आता है साकेत। साकेत आप जानते हैं साकेत क्या है, एक मिनका महाकाव्य है। और उसके बाद वध। वध से दोस्तों क्या याद आता है, मैथिली शरण गुप्त ने किसका वध की रचना लिखी थी, जयद्रथ वध की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जयद्रथ वध। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है मैथिली। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हम हर ट्रिक में आपको लेखक का नाम या रचयिता का नाम या कवि का नाम अवश्य देंगे, तो ये मैथिली शरण गुप्त। और यश से क्या हो जाएगा, यशोधरा। और रंग में भंग, यहाँ जो भंग है इसका मतलब क्या हो जाएगा, रंग में भंग। समझ में आ गया, एक दो बार रिवीजन करेंगे बहुत ही आराम से समझ में आएगा, बहुत ही आराम से समझना है। और उसके बाद आप सभी को मैं एक बात बोल दूं कि अगर मज़ा आ रही हो तो लाइक का बटन तो आप ज़रूर दबाएं, ठीक है। बिल्कुल मुझे तसल्ली मिलेगी आपको, ऐसी मैं बहुत ढेर सारी ट्रिक लेके आऊँगा, आप बस लाइक का बटन दबाते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। प्रेमचंद्र की बात आते हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का नाम कौन नहीं जानता है, और बहुत ही महान थे, और इनकी बहुत सारी रचनाएं भी आपको एग्ज़ाम में मिलती रहती हैं। तो देखिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। गुप्त की बेटी प्रेम के साथ ईद की रात में मन की परीक्षा कफन से ली, ठीक है। देखिए, गुप्त की बेटी प्रेम के साथ ईद की रात में मन की परीक्षा कफन से ली, मन की परीक्षा कफन से ली, है ना। आप लोग थोड़ा देखिए, इमेजिन कीजिए कि कितना अच्छा सेंटेंस लग रहा है, और इससे आपको क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए अब कैसे इसको याद रखेंगे, गुप्त की बेटी, तो गुप्त से क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्त से होगा गुप्त धन। बेटी, यहाँ देखिए की बेटी से अगर आप याद रखिए, गुप्त से गुप्त धन, बचा क्या, की बेटी। तो की बेटी से क्या हो गया दोस्तों, घर की, बड़े घर की बेटी, ठीक है। कहाँ की बेटी, बड़े घर की बेटी। उसके बाद अब यहाँ पे प्रेम के साथ, ठीक है। प्रेम से क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा मैं हर ट्रिक में लेखक का नाम जरूर डालूंगा, तो प्रेम से क्या होगा, प्रेमचंद्र। उसके बाद प्रेम के साथ ईद से क्या होगा दोस्तों, ईद से होगा ईदगाह। और रात में देखिए यहाँ पे की रात, ईद के बाद क्या बचा, की रात। तो की रात से दोस्तों क्या होगा, पूस की रात। पूस की रात आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, लेकिन यहाँ पे की रात से क्या बनेगा, पूस की रात। आगे देखिए मन, मन से क्या होता है, मन से होता है मानसरोवर। मन से क्या होता है, मानसरोवर होता है। उसके बाद परीक्षा, परीक्षा के बारे में आप जानते हैं, परीक्षा से परीक्षा। और कफन से कफन, ये किसकी रचनाएं हैं, ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की बात करें, इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों, तो इनकी ट्रिक है हमारा कि अमीर हिंद के मालिक कन्हैया हैं, अमीर हिंद के मालिक कन्हैया हैं। फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि मैं लेखक का नाम अवश्य डालता हूं। तो यहाँ पे अमीर से मतलब क्या हो गया, अमीर खुसरो, याद रहेगा। जब भी आप ये ट्रिक याद रखेंगे कि अमीर हिंद के मालिक कन्हैया हैं, तो आपको याद आ जाएगा ये ट्रिक किससे संबंधित है, याद करो याद करो याद करो, ये ट्रिक अमीर से संबंधित, यानी अमीर का मतलब अमीर खुसरो से संबंधित है। तो अमीर हिंद के मालिक कन्हैया हैं। तो हिंद का क्या मतलब है दोस्तों, तो हिंद का यहाँ पे मतलब है हमारा नजरान ए हिंद, ठीक है। क्या है हमारा, नजरान ए हिंद, ओके क्लियर है, आगे चलें, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए मालिक, थोड़ा बोलिए आप एक बार, बोलिए मालिक, बोलिए मालिक। तो जैसे मालिक बोलते हैं वैसे क्या होता है, खालिक, मालिक का खालिक, ठीक है, मालिक खालिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये खालिक बारी, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। मालिक से क्या याद रखेंगे, खालिक याद रखेंगे, खालिक बारी। उसके बाद कन्हैया, कन्हैया का दोस्तों क्या होगा, कन्हैया का होगा हमारा हालत ए कन्हैया, ठीक है। कन्हैया का क्या होगा, हालत ए कन्हैया, ठीक है, याद रखेंगे ना, वेरी नाइस। चलिए आते हैं पाँचवें नंबर पे, इसी बात पे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आता है कि आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, और बोर तो हो ही नहीं रहे होंगे क्योंकि बहुत मज़ा आ रही है ना। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, अभी देखिए इसकी ट्रिक है मीराबाई की, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, जैसा कि नाम है मीराबाई, इन्होंने इनकी जो कविताएं पढ़ते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी भी हम लोगों ने ट्रिक बनाई है। देखिए, मीरा की नरसी का राग करे शोर, एक टाइप से गाना है, ठीक है। मीरा की नरसी का राग करे शोर, गीत में गोविंद राग में गोविंद, एक बार फिर बोले, मीरा की नरसी का राग करे शोर, गीत में गोविंद और राग में गोविंद, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसका थोड़ा मीनिंग भी निकाल लेते हैं। मीरा से दोस्तों क्या हो गया,
याद आ गया ना मैंने जो बोला था, मीरा से मीरा बाई। नरसी का दोस्तों क्या होगा? नरसी जी का मायरा। क्या होगा? नरसी जी का मायरा। उसके बाद राग करे सोर। तो देखिए राग करे सोर, सोर से क्या होगा? सोरठा, राग से राग, और ये करे को बीच में हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? राग सोरठा। तो ये देखिए राग सोरठा, दिख रहा है ना आपको? वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे क्या था? गीत में गोविंद और राग में गोविंद। तो गीत में गोविंद से हमारा हो जाएगा गीत गोविंद, और राग में गोविंद से हमारा हो जाएगा राग गोविंद। यहाँ पे मे और मे दोनों जगह हटा देंगे तो गीत में गोविंद और राग में गोविंद, गीत गोविंद और राग गोविंद। अब आते हैं हम लोग अपनी आखिरी ट्रिक पे, जो कि है मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित। तो देखिए मलिक जी की क्या ट्रिक है, हम लोग थोड़ा देखते हैं। अभी जिन्होंने पद्मावत लिखी थी आपको याद होगा, और इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी जिसका नाम भी पद्मावत ही था, ठीक है? पहले कुछ और था तो रहा होगा, अभी इसका फिल्म का नाम क्या था? पद्मावत, है ना? तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि पद्मावती के अखरावट को मलिक का आखिरी सलाम, ठीक है? पद्मावत के अखरावट को मलिक का आखिरी सलाम, याद रहेगा? चलिए इसको तोड़ते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? तोड़ते हैं, हेल्प करेंगे ना तोड़ने में? वेरी नाइस। चलिए देखिए पद्मावती है तो पद्मावती का क्या होगा? पद्मावती का होगा पद्मावत, ठीक है? पद्मावती से पद्मावत। उसके बाद अखरावट, अखरावट तो अखरावट है ही, ठीक है? अखरावट से अखरावट ही बनेगा। उसके बाद आता है मलिक, जैसा कि मैंने क्या बोला था? नाम, ठीक है? तो क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद आखिरी सलाम, आखिरी तो आखिरी रहेगा ही, ये सलाम का कलाम नहीं कर सकते क्या? बोलिए, सलाम का कलाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ पे आखिरी सलाम का आखिरी कलाम होगा यहाँ पे, ठीक है? आखिरी कलाम, तो यहाँ पे आखिरी कलाम होगा, ठीक है? तो दोस्तों ये हो गई हमारी आज की ट्रिक। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक आप ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करें, और मैं कहूँगा करें, ज़रूर करें, और सब लोग करें, क्योंकि मुझे भी चाहिए फीडबैक कि मैंने जो मेहनत की है आपके लिए आपको कितनी पसंद आई, और आप ऐसी ही हमसे और अपेक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के और वीडियोज़ लेके आऊँ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और एक काम मैं और बोलूँगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। और एक बात और कि अगर आप यूपीटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेगुलर सारे वीडियोस मिलते हैं, यहाँ पे लाइव क्लास चलती है 9:30 बजे रात को, और आप यहाँ में ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमसे व्हाट्सएप पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप जाइए और डिटेल पूछिए कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की क्या प्रावधान है। आपको वहाँ पे व्हाट्सएप का हमारा जो पेड ग्रुप है, जहाँ पे सभी बच्चे हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे जोड़ लिया जाएगा, वहाँ पे जो प्रावधान है वे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? और मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद 50 रुपीज़ है वहाँ पे प्रावधान, तो आपको वहाँ पे करके आप आराम से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।